दोस्तों, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो अपने किसी वीडियो से जो आपके फ़ोन में स्टोर्ड है, किसी वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने की, तो ऐसे में एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐप आपके फ़ोन के अंदर होता नहीं जिससे आप वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सको या फिर वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य, और आज बात करेंगे एक ऐसे तरीके की जिससे आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर से ऑडियो निकाल सकते हो एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू, सिर्फ अपना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करके। दोस्तों, ऐप का नाम है टिम्बर। इस एप्लीकेशन को मैं यूज़ करूंगा अपने वीडियो से ऑडियो कन्वर्ट करने के लिए, वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप भी डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक प्ले स्टोर का है वहाँ पर जाके आप टिम्बर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री, एडवर्टीजमेंट्स आते थोड़े बहुत, पर बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव टाइप के एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो इंटरफेस है पूरा वो बहुत सिंपल है, ऑडियो और वीडियो में पूरे इंटरफेस को डिवाइड कर रखा है, और अगर आप वीडियो वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है वीडियो टू ऑडियो का। अब वीडियो टू ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको अपनी वीडियो फाइल का सोर्स सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सी वीडियो फाइल से ऑडियो में कन्वर्जन करना है। आप वीडियो फाइल सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और साथ में ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको टिम्बर एप्लीकेशन दिखा देता है कि वीडियो के अंदर जो ऑडियो है वो कौन से फॉर्मेट में एम्बेडेड है। अगर आप सेम फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे सीधे सीधे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑडियो मिलेगा वीडियो के अंदर से, क्योंकि कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं कन्वर्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये तुरंत देखिए कुछ सेकंड्स में ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है वीडियो से ऑडियो को। तो ये है एक सिंपल सा तरीका अपने वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने का। आपके फ़ोन में कोई वीडियो स्टोर्ड है और आपके पास कोई कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है आसपास, तो आपने फ़ोन को यूज़ करके ही सीधे सीधे वीडियो से ऑडियो निकाल सकते हैं। अब साथ में इस टिम्बर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, तो अगर आप सिर्फ वीडियो से ऑडियो कन्वर्जन में इंटरेस्टेड थे तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है, और जो जिन लोगों को टिम्बर के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो को आगे देख सकते हैं। अब टिम्बर एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो होम पेज जो है वहाँ पर बहुत ही सिंपल सा यूआई है, उसमें दो सेक्शन है, एक ऑडियो का है, दूसरा वीडियो का है, और तीसरा मोर का है, वहां पे नहीं जाता हूं मैं। सबसे पहले ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो में देखेंगे तो पहला फीचर है ज्वाइन का। ज्वाइन करके आप कोई भी ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आप, तो यहां पे आप मल्टीपल सोर्स फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहली फाइल सेलेक्ट करता हूं, फिर मैं दूसरी फाइल सेलेक्ट करता हूं, और जब मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो ये कन्वर्जन का काम शुरू कर देता है। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे देखिए ऊपर एक शेयर बटन है, शेयर बटन के बगल में जो आपके टास्क हैं वो दिखाते हैं। अब जो भी टास्क ऑनगोइंग होगा, मतलब जिस भी टास्क पे काम चल रहा है वो क्यू में दिखाई पड़ेगा, और जो भी टास्क पहले से कंप्लीट हो चुके हैं वो कंप्लीटेड के अंदर दिखाई पड़ते हैं, और अगर कोई फेल हो जाता है तो साइड में एक और टैब है जहाँ पर आप फेल टास्क देख सकते हैं, जितने भी फेल टास्क होंगे। तो इस तरह से आप किसी मल्टीपल ऑडियो फाइल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑडियो से कोई सर्टेन हिस्सा कट करना है, मान लीजिए आपको कोई रिंगटोन बनानी है, अपने पास कोई म्यूजिक फाइल आपके पास पड़ी हुई है उससे एक रिंगटोन बनानी है, तो आप कट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट ऑप्शन में आप कोई फाइल सेलेक्ट करके उसको मल्टीपल जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमिट ऑप्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है ये जो इसके अंदर है, अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है और उसमें से आप किसी सर्टेन सेक्शन को हटाना चाहते हैं तो आप ओमिट सेलेक्ट करके, ऑडियो फाइल सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़ेंगे, और जैसे ही आप ओमिट पे क्लिक करेंगे आपको वो पर्टिकुलर हिस्सा गायब हो जाएगा ऑडियो फाइल से, और आपको एक सिंगल ऑडियो फाइल मिल जाएगी जिसपे उतना हिस्सा नहीं होगा जो आपने सेलेक्ट किया था। अब स्प्लिट से आप किसी एक ऑडियो फाइल को मल्टीपल ऑडियो फाइल में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बिटरेट। बिटरेट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब स्टोरेज लिमिटेड हुआ करता था, मान लीजिए आपके पास कम स्टोरेज है और आपके पास जो भी सॉन्ग्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं, तो उनका साइज़ लगभग एक MP3 फाइल का साइज़ 10 MB के आसपास होता है, 7 से लेके 12-14 MB तक होता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी ऑडियो कितनी लंबी है, कितनी लंबा सॉन्ग है वो, और कितना ज़्यादा क्वालिटी का वो सॉन्ग है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा सॉन्ग्स स्टोर करने के लिए बिटरेट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनिमम अगर आप बिटरेट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फाइल का साइज़ बहुत ही छोटा हो जाएगा। रिकमेंडेड है कि आप 128 KBPS के नीचे ना जाएं। 128 KBPS पे आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी, और साथ में फाइल का साइज़ बहुत कम हो जाएगा, 3-4 MB हो जाएगा 10-12 MB की फाइल। तो ये था आपका बिटरेट वाला सेक्शन। स्पीड में अगर आप जाएंगे तो अगर आपको कोई सॉन्ग स्लो है या फिर कोई ऑडियो फाइल है जो आपके पास है और आप उसको ज़्यादा स्पीड में सुनना चाहते हैं तो आप उसे स्पीड ऑप्शन में जाके ऑडियो फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइडर के थ्रू, और जिस भी स्पीड को आप सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट पर क्लिक करते हैं, स्पीड बटन पर क्लिक करते हैं, तो वो आप
आपको वो ऑडियो फाइल एक नई ऑडियो फाइल में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी जिसमें आप ज़्यादा स्पीड पे उस ऑडियो फाइल को सुन पाएंगे। अब वॉल्यूम ऑप्शन है, वॉल्यूम के अंदर आप वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉन्ग है जो बहुत ही लो वॉल्यूम में बज रहा है या फिर आपके फ़ोन का जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है, तो आप वॉल्यूम ऑप्शन को यूज़ करके डबल कर सकते हैं ऑडियो की जो लाउडनेस है। अगर आपके पास आपके फ़ोन का आउटपुट बहुत कम है तो आप इस वॉल्यूम ऑप्शन को यूज़ करके जो MP3 जो आपकी सॉन्ग का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन का आउटपुट इफेक्टिवली बढ़ जाएगा। अब वीडियो के अंदर भी बहुत सारे वैसे ही चीज़ें हैं, जैसे कि ज्वाइन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो वीडियोज़ या उससे ज़्यादा वीडियोज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कट के थ्रू आप किसी सर्टेन हिस्से को वीडियो के कट करके निकाल सकते हैं। कन्वर्जन वही है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन। वीडियो में ऑमिट करना मतलब वीडियो के किसी सर्टेन सेक्शन को आप हटा देंगे और जो आपकी फाइनल वीडियो फाइल होगी वहाँ पे वो सेक्शन नहीं रहेगा जो आप ऑमिट कर चुके हैं। स्प्लिट, जैसा कि मैंने आपको ऑडियो में बताया था कि आपको अगर किसी ऑडियो से रिंगटोन बनाना हो तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं, जितना भी टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट किया, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड या जितना भी रेंज आप सेलेक्ट करोगे उतना स्प्लिट होकर आपको एक नई फाइल में मिल जाएगा। स्पीड सेम ऑडियो की तरह है, यहाँ पे वीडियो की स्पीड को बढ़ा देगा। वाटरमार्क, अगर आपको आपके पास कोई वीडियो है उसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट या कोई वाटरमार्क चाहिए जो आपके वीडियो में लगातार दिखता रहे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो टू ऑडियो में आपको बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आपके पास कोई वीडियो फाइल है उसमें से अगर आपको ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है तो वीडियो टू ऑडियो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप। म्यूट, आपके पास कोई वीडियो है उसमें से आपको ऑडियो गायब करना है तो आप म्यूट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रेम, अगर आपको कोई वीडियो के अंदर से कोई एक इमेज निकालनी है वो कर सकते हैं। इस तरह क्रिएट GIF भी है, यहाँ पे आप इसके अंदर आप बढ़िया मीम्स बना सकते हैं। आप किसी वीडियो के किसी सेक्शन को पकड़ के उसका GIF कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम ठीक वैसे ही, अगर आपके किसी वीडियो में वॉल्यूम बहुत कम है, लाउडनेस बहुत कम है, तो आप वॉल्यूम के ज़रिए उसका लाउडनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये था टिम्बर ऐप, और टिम्बर बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ क्योंकि इसे मैं पहले बहुत यूज़ करता था अपने नेक्सस फ़ोन के अंदर। फाइनली मुझे अभी कुछ दिनों पहले मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था और वो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो गाना मुझे अपना खुद का बहुत गाया हुआ बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने फ़ोन को अगर स्क्रीन ऑफ कर दे रहा था तो वो वीडियो पॉज हो जा रहा था, तो बेसिकली मुझे उस वीडियो को अगर मैं ऑडियो कन्वर्ट कर लेता तो मैं ऑडियो प्लेयर के अंदर से चला के स्क्रीन ऑफ करके आराम से सुन सकता था। तो बेसिकली इसलिए मैंने टिम्बर को बहुत सालों बाद डाउनलोड किया था और आज भी ये एप्लीकेशन काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, काफ़ी इंप्रेसिव एप्लीकेशन है। अगर आपको भी ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था मेरे साइड से टिम्बर का रिव्यू, ये था मेरे साइड से कैसे आप वीडियो से ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स जो टिम्बर एप्लीकेशन के अंदर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ऐसे लोगों के पास जिनको ज़रूरत है वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्शन की या कोई भी ऐसे फीचर की जो टिम्बर एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।